हेलो, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करेंगे मराठी स्टैंडर्ड 6 का लेसन है। लेसन नंबर 11, मीनू का जलप्रवास। जलप्रवास मतलब क्या है? जो पानी से गुजरकर जो हम जर्नी करते हैं उसे जर्नी को कहते हैं प्रवास। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मीनू नाम की एक छोटी सी मछली है, उसके बारे में हमें लेसन में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए हम फटाफट लेसन देख लेते हैं। एक होती है नदी। नदी मतलब क्या है? रिवर। रिवर को मराठी में कहते हैं नदी। तिचात होते खूब खूब पानी। तो नदी में बहुत सारा पानी था, नीले नीले, ठंडगार व स्वच्छ। तो पानी का कलर तो कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब पानी एक साथ में हम देखते हैं तो उसमें एक कलर दिखाई देता है। तो कैसा दिया है यहाँ पर? नीला। ठंडगार मतलब एकदम ठंडा, स्वच्छ, क्लीन वॉटर। इतके स्वच्छ की वरुण पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। तो वो पानी इतना क्लीन है कि जब आप ऊपर से देखोगे तो नीचे जो पानी का तल है, मतलब वाटर बेड जो है, उसके नीचे जो मट्टी है वो भी दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्लियर वाटर, एकदम क्लियर वाटर। गोल गोल गोटे दिसायचे, अन सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे। तर मासे कसे पळतात? एकदम झटपट झटपट आगे जाते ना मछलियां, म्हणून सुळसुळ पोहणारे। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासोळी। मासळी, मासळी मतलब छोटी सी मछली, एकदम छोटा सा मच्छी है, जिसे हम मासळी कहते हैं मराठी में। मीनू होती इवलीची। इवलीची मतलब भी छोटी सी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, मतलब अपने छोटा जो अपना फिंगर है हाँ, इसके इतनी वो छोटी सी थी। त्यानंतर काय सांगितलं आहे? रुपेरी कल्ल्याची। तो उसके जो फिश होते हैं उनके बॉडी के ऊपर ऐसे स्केल्स होते हैं ना, उसे कहते हैं कल्ली। कल्ली मतलब जो साइड में जी हाँ, उनका आँख होता है, आँख के साइड का जो पार्ट होता है जिसे हम खोल के भी देखते हैं, अंदर के गिल्स हाँ, उसे क्या कहेंगे? कल्याणची। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे, तिला क्षणभरही नजरे आड़ होऊ द्यायचे नाही। तो जो दूसरी मछलियां थी उसे बहुत प्यार करती थी और उसे अपने नजर से दूर होने भी नहीं देती थी, मतलब देखो बहुत ध्यान रखते थे उसका, बिकॉज वो बहुत छोटी सी थी, शी वॉज वेरी लिटिल, और वो सब उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। पण मिनुला नदीच्या या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। बट मीनू को अभी वहां पर रह रहे कि वो कंटाल गई थी, मतलब शी वॉज फेड अप टू लिव देयर, वो कंटाल गई थी। तो इसीलिए ती आईला काय विचारायची? ती आईला विचारायची, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। तो उसे फिर जैसे छोटे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, कहाँ से आता है, तो हर एक चीज के ऊपर देखने के बाद किसी भी नई चीज को देखो तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? 3-4 साल के बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे ही मीनू भी यहाँ पर अपने माँ से, मतलब जो बड़ी मछली है, उसे क्वेश्चंस पूछ रही है कि ये पानी कहाँ जाता है, क्या होता है। तो माँ ने क्या कहा कि आगे जाके बहुत बड़ा क्या है, समुद्र मतलब सी है, तो वहीं पर जाकर मिलता है। आई समुद्र केवड़ा अस्तो, एवढा मतलब कितना बड़ा होता है, हाउ मच बिग इट इज, मीनू विचारी। मला माहित नाही बाळ, आई म्हणायची। तो जो मीनू की माँ है उसने भी ये समुद्र देखा हुआ नहीं है, उसे भी सी के बारे में कुछ पता नहीं है, उसने भी सुना हुआ है, इसलिए वो क्या कह रही है? मला माहित नाही बाळ, तो मुझे आई डोंट नो अबाउट दैट। मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवड़ा असेल बरे समुद्र, रोज एवढे पाणी त्यात जमते, म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही। तो मीनू तो सोचते रहती थी कि इतना सारा पानी रोज उसमें जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ा होगा और खूब खूब खोल ही, मतलब बहुत ज्यादा डीप भी होगा। खोल मतलब क्या है? डीप। असे केले तर, तो समुद्रच बघून आलो तर, आनंदाने तिने टुनकन उडीच मारली। म्हणजे ती काय म्हणत आहे? तिला असं वाटत आहे की आता असं केलं तर, आपण जाऊन तो समुद्र बघून आलो तर, मतलब हम खुद जाके अगर उसे देख लेंगे तो। और वो बहुत खुशी से ये सोच कर ही वो खुशी से उछलने लगी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है,
रिवर है, रिवर का पानी है आगे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मछलियां भी है अंदर पानी में। ओके सो एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला। मुसळधार मतलब बहुत हैवी रेन। जमिनीवरून पाण्याचे लोंडे वहायला लागले। बहुत पानी का बड़े बड़े से पानी के जैसे कैनल्स होते हैं ना, ऐसे बहने लगते हैं। नदीचे पानी गढ़ूळले। गढ़ूळना मतलब क्या होता है, जो पानी होता है उसमें मट्टी मिक्स हो जाती है। तो जैसे लाल मट्टी मिक्स हो गई तो पानी का कलर क्या हो गया, वो रेडिश हो गया है, मट्टी का पानी बन गया है। मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले। तो अभी पानी का कलर बदल गया है, पहले तो पानी कैसा था, एकदम क्रिस्टल क्लियर था, मतलब एकदम क्लीन वाटर था, लेकिन अब तो वो क्या हो गया, गढ़ूळ मतलब रेडिश हो गया है। तो इस वजह से मछलियां एक दूसरे को देख नहीं पा रही है, और वो क्या कर रही है, एक दूसरे को ढूंढने लगी है, पण कोणीच कोणाला दिसे ना। पाणी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली, व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली। अब क्या हो गया, ऐसे में इतना मतलब वहां पर सब गोंधळात म्हणजे काय, तो एकदम इतना सबका इतना एक दूसरे को ढूंढने में करने में इतने सब यहाँ वहां होने लगे के ऐसे में मीनू और उसकी माँ जो है दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और क्या हो गया, पानी में गिर गया, मतलब पानी गोल 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 ऐसे पानी जा रहा है तो उसके साथ में गोल गोल होकर गिर गया लेकर, मतलब गोल गोल घूमकर वो एक दूसरे से दूर चले गए। और गिर गया कौन ले रहा था, तर मीनू ही गिर गया घेत निघाली, तो पाण्या बरोबर त्या ती निघाली। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत जोरदार बारिश दिखाई है, और यहाँ पर ये देखो पानी के गोल गोल ऐसे बहाव आए है ना, तो इसे कहते हैं गिर गया। और इसमें से ही मछलियां आगे आगे जा रही है और एक दूसरे से वो दूर भी हो रही है। तो बहुत हड़बड़ाकर गड़बड़ाकर, गोंधड़ने मतलब क्या, हड़बड़ाकर और गड़बड़ाकर वो यहाँ वहां वो लोग ढूंढने लगे। देवर इन ट्रबल, ट्रबल हो गए एकदम से। तो खूब वेळ ती अशीच पोहत होती। मीनू ने हळूच तोंड उघडले। थू थू सगळे खारट पाणी। तो ऐसे ही वो पानी में ही पानी के बहाव के साथ वो बहुत देर तक आगे आगे चली गई, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो क्या हो गया, उसके मुंह से उसने ऐसे पानी निकाल दिया, थू करके निकाल दिया। बिकॉज वो पानी कैसा था, इट वॉज सॉल्टी वाटर, वो खारट था। खारट मतलब क्या है, सॉल्टी, सॉल्टी वाटर। अय्या म्हणजे समुद्र, समुद्र म्हणता तो आला की, बापरे केवड़ा लांब पर्यंत पसरलेला आहे, नजरे नजर सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब। तो अभी वो क्या कह रही है, मतलब उसे अभी पता चल गया है कि वो कहाँ आ गई है। यस, अभी वो समुन्द्र में आ गई है, सी तक पहुंच गई है, और वो देख रही है कि समुन्द्र कितने दूर तक फैला हुआ है, इतना बड़ा है, मतलब वो नजर में भी अपने पूरे समा नहीं सकता है, इतना बड़ा है। चला थोड़ी सी चक्कर मारून परत जावे झाले, मतलब वो क्या सोच रही है, अभी थोड़ा सा चक्कर मार के मैं चली जाऊंगी फिर। मीनू हळू हळू पुढे निघाली। पाण्यात एका बाजूला लांब पर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या, मतलब वहां पर क्या था, पूरा एक ऐसे बड़े बड़े रॉक्स थे, एक के बाद एक रॉक्स थे, खडकांच्या रांगा मतलब रॉक्स थे, रेंजेस, रॉक्स के रेंजेस थे। त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स थे। नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी, ऐसे लग रहा था पानी के ऊपर, जैसे नदी के पानी के ऊपर जो फ्लावर्स रहते थे, फ्लोट होते थे, ऐसे ही वहां पर क्या है, फूल है। उसने वहां पर देखा खड़कावर फुलेच फुले होती। मग मीनूला गम्मत वाटली, ती हळूहळू पुढे निघाली। लाल गुलाबी अंजीरी फुले, किती छान छान रंग होते त्यांचे। तो कौन कौन सा रंग है, लाल गुलाबी अंजीरी, ठीक है। अंजीर का आपने देखा होगा फल होता है, प्याज के जैसे दिखता है, जो जिसे हम फिग भी कहते हैं इंग्लिश में, सो उसे उसका रंग को हम कहेंगे अंजीरी रंग। इतक्या तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली, तो उसने अचानक इसे जाते जाते उसकी एक टक्कर हो गई, और उसने देखा कि कुछ अलग टाइप का ही एक मछली वहां पर था, एक फिश था, त्याचे तोंड घोड़ा सारखे होते, तो उसका मुंह कैसा है, हॉर्स के जैसे, वो पोटाला पिशवी होती, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती। मीनूला क्षणभर हसूच आले, और उसने उसे हंसी आ गई,
कि ये क्या है, ये फिश के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा कैसे है, घोड़े के जैसा है, और पेट के पास उसकी एक थैली दिखाई दे रही है जिसमें छोटे छोटे से बच्चे भी है। तो यह कुछ अजीब ही अब मीनू को लग रहा था और उसे हंसी आ गई। कौन तुम्ही, तिने विचार ले। पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळू हळू पुढे गेला और उसने इतना पूछा कि आप कौन हो, लेकिन उसने कुछ आंसर नहीं दिया। वो कौन से कलर का था? पिवळा। देखो ये बहुत छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, छिपे हुए रहते हैं, हिडन क्वेश्चन, और आप लोगों को उसके आंसर जब पैराग्राफ आते हैं तो ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए आप ये सब पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखोगे तो इजीली यू कैन फाइंड ऑल आंसर्स। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला। तळा मतलब जो बॉटम, पानी के बॉटम से एक आवाज आई। त्याचं नाव घोडमासा। क्या नाम था उसका? घोडमासा, समुद्र घोडा। तो घोडमाशाचा रंग कसा होता? पिवळा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लर्न करना है। आवाजाच्या रुखाने मीनू ने पाहिले। तो जहां से आवाज आ रही थी वहां पर मीनू ने अब देखा, तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। कासव मतलब टॉर्टॉइज, वॉटर टॉर्टॉइज जो होता है, टर्टल। नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे, मतलब जो जितना नदी में रहता है उससे बहुत ही बड़ा था। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्या जवळ पोहोचली व म्हणाली, कासव दादा तुम्ही इकडे कधी आलात? तो उसे ऐसे लगा कि शायद से ये नदी में जो था वैसे ही है, तो उनके पास लोग चली गई है और पूछ रही कि कासव दादा आप कब आए यहाँ पर? मी तर इथच राहतो, मैं तो यही रहता हूँ, ते म्हणाले। तो किसने कहा ये? तो कासव दादा ने मीनूला, असे कासव दादा मीनूला म्हणाले। तो ये हम किसने किससे कहा, कोण कोणास म्हणाले, या सगळ्यांसाठी सुद्धा आपण यांना अंडरलाइन करून ठेवूया। नाहीच मुळी मतलब नहीं, हमारे नदी में भी एक कासव दादा है, एक आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहे, ते वेगळे। मी समुद्रात राहतो, मतलब देखो मीठे पानी में, मतलब जो नदी का पानी मीठा पानी होता है, मतलब जो पोटेबल है, पीने लायक होता है, उसमें रहने वाले जो फिश है वो अलग रहते हैं, वाटर क्रिएचर अलग रहते हैं, और जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं वो अलग रहते हैं, उसमें भी डिफरेंस है। पण तू इकड़ का आलीस? इथ तर पावला पावलांवर संकट उभी आहे। तो यहाँ पर तो हर एक स्टेप पर, हाँ जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुमको बहुत सारे खतरे मिलेंगे। बघितलंस किती चित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे, तो आप तुमने देखा होगा ना कैसे कैसे यहाँ पे एकदम अजीब अजीब मछलियां घूम रही है। तो आठ हाथ असतेला अष्टभुज मासा, तो जिसको आठ हाथ है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टोपस। सी यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्टोपस, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, समुद्र घोड़ा। ठीक है, इसकी यहाँ पर छोटी सी क्या दी है, थैली की जैसी है, और उसमें छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, और ये कौन है, कासव दादा, टॉर्टोइज। तो ऐसे वो सब आप देख रही है। तो कसा उल्टा चालतोय बघितलंस का, पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागे सरकतो। तर तो काय करतो, पाण्याचा चुळा भरत मतलब मुंह में पानी ले लेकर, जैसे हम गार्गल करते हैं ना ऐसे पानी, जैसे आप मुंह धोते हो तो पानी भर के मुंह में कैसे फेंकते हैं हम, उसे मराठी में काय म्हणतात आपण, चुळा भरणे, जैसे हम गार्गल करते हैं उस तरह से। पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागे सरकतो, आपल्या आठ हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो। मतलब वो क्या करता है, अपने आठ हाथों से मासे मतलब मछलियां और खेकड़ा मतलब क्रैब्स पकड़ के खाता है। पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का, तो कह रहे हैं जो पानी में उतरते हैं, जो इंसान पानी में उतरते हैं वो भी उसे डरते हैं, क्योंकि उसके जो टेंटेकल्स होते हैं ये जिसे हम अष्टभुजा उसको कह रहे हैं, उससे वो क्या करता है, पकड़ लेता है और वो जल्दी से छोड़ता नहीं है। पण कासव दादा, इथ तर तळाला नदी सारखेच शंख शिंपले पडलेले आहेत, पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? इथ या दोन शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो बरं का। तो क्या कह रहे हैं, नदी के इसमें तो कुछ रहता नहीं है ना, काय असतं त्याच्यामध्ये? तर इथे काय आहे, त्या दोन्ही शिंपल्यांच्या आतमध्ये, तो ये शिंपला जो दिया हुआ है, तो ये दोनों के ऐसे दोनों तरफ से कवर रहता है ना, तो उसके अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ रहता है, त्याला
चालायचं असतं की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो। तो अगर उसे चलना है तो क्या करता है, धीरे से पैर बाहर निकाल के वो चलता है। हा अगदी माशांचा मासाचा गोळा असतो। मासा मतलब क्या, जो स्किन रहती है अपनी, मतलब जो फ्लैश होता है ऐसे एक मांस का टुकड़े के जैसा ये रहता है। या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो। अगर इसके अंदर गलती से भी एक छोटा सा सैंड का एक बारीक सा पार्टिकल गया तो क्या करता है वो, उसको बहुत ही इरिटेट होने लगता है। मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो। मग तो काय करतो, त्या मातीच्या कणाच्या भोवती आपल्या अंगातून एक रस काढतो आणि त्याला गुंडाळतो। जैसे आप लोगों को पता है जो शंख होते है उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलते हैं मोती। तो ये मोती कैसे आते हैं, जब कोई भी एक सैंड का जो पार्ट है, पार्टिकल है, ये सब शेल के अंदर जाते हैं और उसे इरिटेट करने लगते हैं। तो वो क्या करता है, एक टाइप का एक स्टिकी सब्सटेंस उसके बॉडी से निकालता है और उसके अराउंड वो गोल 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 घुमाने लगता है। बाद में जाकर वही किस में कन्वर्ट होता है, मोती में। ठीक है, तो मोती तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे व्हाइट कलर के मोती आते हैं। मग तरी बोचण काही संपतच नाही, फिर भी क्या होता है उसे वो बोचण म्हणजे काय आहे, जैसे हम लोगों को कोई भी चीज चुभती है तो ऐसे वो चुभने लगता है। हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो, मग त्यातूनच छानदार मोती तयार होतो। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि उसमें से क्या बनता है, छानदार मतलब एक छान सुंदर ब्यूटीफुल ऐसा एक मोती बनता है, पर्ल बनता है, जिसे हम कहते हैं पर्ल। इथ तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात। और कभी कभी यहाँ पर कौन आते है, नीचे पानी के सी बेड तक कौन आता है, इंसान आते है और वो सब क्या करते है, शेल शिंपले को लेकर जाते है। क्यों लेकर जाते होंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या निकलते हैं, मोती निकलता है। इसीलिए इतक्यात त्यांच्या मधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला। तिरका तिरका मतलब क्रॉस क्रॉस ऐसे चलते गया। तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता। बटबटीत डोळे मतलब जैसे मेंढक की आंखें होती है ऐसे। आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली। घाबरगुंडी उडाली मतलब वो अब डर गई है। ठीक है, पळत जाऊन ती कासव दादा जवळ उभी राहिली। तो वो डर कर कासव दादा के पास चली गई है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नए नहीं है, अजीब तरह के सब क्रिएचर दिखाई दे रहे थे उसे। घाबरू नकोस, हा तर खेकड़ा। तो क्या कह रहा है, डर मत, ये कौन है, खेकड़ा है मतलब क्रैब है, याच्या पाठीवर माझ्या सारखंच कठिन कवच आहे, तो इसके ऊपर भी मेरे जैसा हार्ड शेल है, त्यामुळे शत्रु याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। याला सहा तर कधी आठ पाय ही असतात। तो इसके ऐसे हार्ड शेल होने की वजह से कोई भी एनिमी उस पे अटैक नहीं कर सकता है। और इसे छह या कभी कभी क्या होते हैं, आठ पैर होते हैं। तर हे काय म्हणतात पुढे, तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही। तो क्या कह रहे, फिर भी बच्चे को सीधा चलने नहीं आता है, ऐसे वो कह रहा है। कौन कह रहा है, कासव दादा मीनू से कह रहे हैं। तोंडाजवळ दोन नांग्या असतात। तो आप लोगों ने खेकड़ा देखा होगा, खेकड़ा जो होता है उसके आगे दो ऐसे इस तरह से नांग होते हैं, उसे नांग कहते हैं। त्यामुळे त्याचं संरक्षण ही होतं व त्याला भक्ष ही पकडायला येतं। भक्ष मतलब उसका शिकार वो पकड़ सकता है। आता तू माझ्या बरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ, तिथं खूप अंधार असेल कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही। तब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत नीचे लेकर जाता हूँ पानी के अंदर, वहां पर अंधेरा होगा क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है, ऐसे वो अभी कह रहे हैं। किसे, मीनू से कह रहे हैं। तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात। प्रचंड आकार मतलब बहुत बड़ा आकार, प्रचंड आकार मीन्स एकदम ह्यूज, ऐसे बड़े बड़े से मछलियां रहती है। काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो। चल येतेस गम्मत बघायला, तो कहते कुछ तो मछलियां ऐसी है जिसके बॉडी से लाइट निकलती है, तो चल ये मजेदार मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ, ऐसे कहकर अब कासव दादा उसे अपने साथ लेकर गए हैं।
लेकिन मीनू क्या कह रही है? नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली, मला माझ्या आईकडे जायचंय। तो क्या कह रही है, मुझे कहाँ जाना है? मेरी मम्मी के पास, मेरी माँ के पास जाना है, आईकडे जायचं आहे। शी वॉन्टेड टू गो टू हर मदर नाउ बिकॉज वो अभी क्या हो गई है, शी इज एक्चुअली वेरी फ्राइटन्ड, ये सब देखकर वो डर गई है। कासव दादा हसून तिच्या बरोबर निघाले, वाटे ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती, ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले। तो जाळी सोडलेली होती मतलब क्या है, जो मछलियां पकड़ते है वो क्या करते हैं, जाली डालकर रखते हैं, क्योंकि फिशिंग करना है उन्हें, तो ये इसमें अड़कना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, साइड साइड से वो निकल के मीनू को नदी की तरफ लेकर आ गए हैं। आहा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला, तिने दोन तीन चुळा भरल्या, मतलब उसने क्या किया, मुंह में पानी लिया, गार्गल किया, खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले। पहले उसका मुंह कैसे हो गया था, सॉल्टी हो गया था ना, क्योंकि उसने सॉल्टी वाटर लिया था मुंह में, लेकिन अब वो पूरा क्लीन हो गया है। कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर, तिने आग्रह केला। तो अब उन्हें बहुत इन्सिस्ट कर रही है कि मेरे साथ चलो। नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही बर, येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा हं। वळून बघ, कासव दादा हळूहळू निघाले। तो अब वो उसे क्या कह रहे है, जैसे तुम्हें समुद्र अच्छा नहीं लगता है वैसे ही मुझे नदी अच्छी नहीं लगती है, तो अब तुम अपने घर जाओ। मीनूला क्षणभर वाईट वाटले, कासव दादांनी तिला किती तरी गमती दाखवल्या होत्या, त्या कधी एकदा आईला सांगीन असे तिला झाले होते। तो अब जब कासव दादा जा रहे हैं तो ये सब देखकर मीनू को अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन उसे भी अपने मम्मी के पास जाना है, और उसे सब जाकर क्या क्या उसने समुन्द्र में देखा जाकर बताना भी था अपने माँ को। देखो छोटे बच्चों को ऐसे रहता है ना कि कुछ भी छोटी सी भी चीज हो जाए, स्कूल में कुछ हो जाए, फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा हो जाए, कुछ अच्छी बात हो, कब जाके मम्मी से कहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर मीनू को भी लग रहा है कि कब जाकर वो सब बातें अपने मम्मी के साथ शेयर करेगी, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी अभी कहाँ जा रही है, अपने मम्मी के पास जा रही है, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है कि जल्दी से मैं जाऊँ और अपने माँ से सब बातें बताऊँ। तो बहुत ही अच्छा लेसन था, मुझे भी ये लेसन बहुत पसंद है। तो आप लोगों को ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और मेरे वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी अच्छी सी स्टोरी किसने लिखी हुई है, विनया साठे। तो एक लड़की है विनया, उसने ये लिखा हुआ है, विनया साठे उसका सरनेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्वाध्याय में शब्द दिए है, न्यू वर्ड्स दिए है, हम उसे देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी उसमें मैं आप लोगों को ये स्वाध्याय मतलब सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसमें यहाँ पर भी कौन कौन आस म्हणा ले मोठे क्वेश्चन आंसर्स दिलेले आहेत, आणि खूप काही ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, आपण ते सगळं करायचं आहे व्यवस्थित, ठीक आहे। त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायला लागणार आहे, तर आधी सबस्क्राईबचं बटन दाबा। चला आता शब्द पाहूया, जलप्रवास पाण्यातील प्रवास, वॉटर जर्नी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉटर जर्नी। तो बहुत सारे वर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी जिसमें हम इंग्लिश का मीनिंग भी देखेंगे, मतलब मराठी का वर्ड्स इंग्लिश में क्या होता है वो ट्रांसलेशन भी हम देखेंगे। मासोळी लहान मासा, मुसळधार फार जोराचा, लोंढे खूप लोट, जोर जोर से पानी आना, बहाव आना, चक्कर मारून भटकून फिरून, जैसे आप बैठे बैठे थक गए हो तो बोलते मम्मी एक चक्कर मार के आती हूँ या आता हूँ, कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ तो मैं भी क्या करती हूँ, सीधा चक्कर मारने के लिए बाहर निकलती हूँ, तो थोड़ा फ्रेश लगता है, फिर आने के बाद और वीडियोस बनाने हैं या कुकिंग करना है, जो भी काम करना है उसे हम एक एनर्जी मिल जाती है। तो डोळे विस्फारणे, विस्फारणे मतलब डोळे मोटे करने, बड़ी बड़ी आंखें करके देखना, भक्ष्य शिकार, ठीक है बच्चों। तो चलो लेसन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय, थैंक यू।